नमस्कार, मैं हूं राजकुमार। जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं अभी की खास खबरों पर। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोखरासन प्रोविंस के गिरफ्तार आतंकी दंपति जहां जेब सामी और हीना बशीर बेग के निशाने पर दिल्ली यूपी कश्मीर थे। ये भीड़भाड़ वाली जगहों पर आतंकी हमला कराना चाहते थे। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आईएस से इनको आतंकी तैयार करने के निर्देश मिले थे। इसके बाद इन्होंने दिल्ली और यूपी में युवाओं को बरगलाकर आतंकी बनाने का काम शुरू किया। उधमपुर के बरमीन में कल देर रात एक दुखद हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात तकरीबन 11:30 बजे पहाड़ पर से एक चट्टान एक घर पर आ गिरी, जिसमें 3 नाबालिग लड़कियां, एक लड़का और एक महिला सहित परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। इस बीच घर के मुखिया राज सिंह को घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला अस्पताल उधमपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने गुजरात के उद्योगपतियों को जम्मू कश्मीर में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। जम्मू कश्मीर में वैश्विक निवेश सम्मेलन से पहले देश भर में रोड शो करवाए गए। अहमदाबाद में हुए आखिरी रोड शो में 2,141 करोड़ रुपए के 35 आपसी सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 11 और 13 मार्च तक फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 12-13 मार्च को कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। इस दौरान कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम के बिगड़े मिजाज के असर लद्दाख में भी दिखेगा। श्रीनगर लिए राष्ट्रीय राजमार्ग में जिला राजौरी और पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाले मुगल रोड पर अब तक आवाजाही बहाल नहीं हो पाई है। मंगलवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का टूरिज्म डिपार्टमेंट सैलानियों को आकर्षित करने के लिए बड़ी बड़ी एड्स देता है, सेमिनार आयोजित करता है, बड़े बड़े आयोजन कर लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आइए हम ले चलते हैं आपको चिनाब वैली के जिला डोडा के शहजार पार्क डोडा में, जिसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने 2009 में किया था, लेकिन आज इसकी स्थिति दयनीय है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, शराब की बोतलें हैं इधर उधर पड़ी दिखाई पड़ती है। किसी वक्त ये पार्क और कैफेटेरिया लोगों के आकर्षण का केंद्र था। मकामी लोग और टूरिस्ट सपरिवार बच्चों के साथ यहाँ आकर आनंद लिया करते थे, लेकिन आज की तारीख में ये पार्क वीरान उजड़ा चमन है। प्रशासन का कोई भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन और टूरिज्म डिपार्टमेंट इस ओर ध्यान देगा और ये पार्क और कैफेटेरिया फिर से गुलजार होगा। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लीडर्स ने आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता का संबोधित किया। कांग्रेस नेता वरुण मंगोत्रा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू से जम्मू शहर में लंबित परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि जम्मू में लंबित परियोजनाओं के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने LG से लंबित परियोजनाओं को जल्द विजिट करने की मांग की, ताकि परियोजना जल्द पूरी हो सके। कश्मीर के गुरेज इलाके में स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की वार बटालियन ने वहां के इलाके के विभिन्न गांवों में 4 गंभीर रूप से बीमार लोगों को एयरलिफ्ट किया, जिसमें 10 दिनों का शिशु और एक युवा लड़की शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 मार्च को स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की दवर गैरिसन को गंभीर रोगियों को निकालने के लिए नागरिक प्रशासन से जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद सेना ने डावर के आसपास के विभिन्न गांवों में 4 गंभीर लोगों को वहां से निकाला। स्थानीय लोगों ने स्नो लेपर्ड ब्रिगेड को समर्थन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कश्मीर संभाग के जिला बारामूला के पट्टन इलाके में एक पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें वहां के स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता SDPO पट्टन जफर मेहंदी ने की। बैठक में SHO पट्टन नजीर अहमद और DO मीरगुंड मोहम्मद अशरफ भी मौजूद थे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं पुलिस ने बैठक में भाग ले रहे लोगों को आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। DDC कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने PHC दुर्ग मुल्ला का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने PHC में खरीदे गए 12 चिकित्सा उपकरणों मशीनरों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर ADC नजीर अहमद लोन
और सीएमओ भी उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। कश्मीर संभाग के जिला बडगाम में मॉडल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चरारे शरीफ द्वारा एक दिवसीय सेमिनार लर्निंग आउटकम बेस्ड क्यूरिकुलर फ्रेमवर्क का आयोजन किया, जिसमें डीन कॉलेज काउंसिल कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर चौधरी मोयुद्दीन संगमी मुख्य अतिथि थे। इस सेमिनार में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसको JKNPP के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा, कोरोना वायरस एक बहुत बड़े खतरे के रूप में लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, इसे कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने सरकार से विदेश से आ रहे लोगों की प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाने की मांग की, ताकि कोरोना वायरस के फैलने से इसे रोका जा सके। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में किले के पास कल देर रात चोरों ने SBI के ATM को तोड़कर कैश निकालने की बहुत कोशिश की, हालांकि चोर अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। कश्मीर के जिला बारामूला में सुंबल इलाके में पड़े कचरे के ढेर के कारण वहां के स्थानीय नागरिकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां के स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार इस पड़े कचरे के ढेर के बारे में अधिकारियों को बताया, मगर उन्हें केवल आश्वासन दिया गया। वहीं म्युनिसिपल कमेटी सुंबल की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि विभाग बहुत जल्द कदम उठाएगा, ताकि वहां के स्थानीय नागरिकों को आराम मिल सके। कश्मीर संभाग में स्थानीय नागरिकों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से जिला गांदरबल के ट्रॉमा हॉस्पिटल कंगन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मास्क वितरित किए। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने बताया कि उन्होंने मास्क लोगों की कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से वितरित किए हैं। जम्मू संभाग के जिला रामबन के बनिहाल में स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने आरोप लगाते हुए कहा कि बनिहाल के इलाके में लोगों को डॉक्टर्स की कमी के कारण कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उन्होंने बताया कि कई बार अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया, मगर उनकी मांगे नहीं सुनी गई। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर अनवी लवासा ने आज जम्मू शहर के सरवाल हॉस्पिटल और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ GMC के कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान GMC कमिश्नर ने बताया कि जम्मू शहर में 2 कोरोना वायरस के संदिग्ध मिलने के बाद पूरे शहर में सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का स्प्रे किया जा रहा है। गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल त्राल ने सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन त्राल और सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन अवंतीपुरा के सहयोग से प्लांटेशन डे कम अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री कश्मीर मेराजुद्दीन मलिक ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद मुख्य परिसर के सामने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कश्मीर में बर्फबारी के कारण बंद पड़ा बांदीपुरा गुरेज सड़क मार्ग को खोलने की मांग को लेकर गुरेज इलाके के स्थानीय नागरिकों ने DC ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों पर जमी बर्फ के कारण उनके इलाके में रोड बंद है, जिसके कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उनके इलाके की रोड जल्द से जल्द खोली जाए। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज KIMS में आज मंगलवार को कोरोना वायरस के 2 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं। ये दोनों मरीज पुरुष हैं, जो मलेशिया और कोरिया से यात्रा कर श्रीनगर पहुंचे हैं। इंचार्ज मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर गुलाम हसन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों मरीजों की चिकित्सा प्रक्रिया चल रही है। सैंपल के लिए भेजी गई रिपोर्ट आने से पहले कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, लिहाजा एहतियात के तौर पर दोनों मरीजों को अलग से आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। जम्मू कश्मीर में सत्ता की कुंजी अपने हाथ में रखने की सोच लेकर बनी पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी
घाटी के साथ जम्मू में भी आधार बढ़ाने के लिए मुहिम चलाएगी। नई पार्टी ने अन्य दलों के असंतुष्ट पुराने नेताओं को साथ लेकर जम्मू में लोगों के बीच जाने की तैयारी की है। ऐसे हालात में अगले कुछ दिनों में जम्मू पहुँच कर बुखारी क्षेत्र में पार्टी के गठन का एक्शन प्लान के साथ कई नए कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत करेंगे। जम्मू के भगवती नगर में रहने वाले स्थानीय नागरिकों ने आज एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को वहां से शिफ्ट करने की मांग की। तो ये थी अभी तक की खास खबरें, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।